ब्रेक के बाद एक बार फिर स्वागत है। चलिए बढ़ते हैं अब खबरों की ओर, जहां साइबर सिटी गुरुग्राम में हाई प्रोफाइल चोरी का मामला लगातार सुर्खियों में बना हुआ है। इस मामले में एक आईपीएस अधिकारी भी शिकंजे में आ चुके हैं। करोड़ों रुपए के साथ ही कई किलो सोने का भी जब्त किया गया है। आपको बता दें कि उधर हरियाणा सरकार भी इस पूरे मामले को लेकर बेहद सतर्क आ रही है। ये रिपोर्ट देखिए। एक मामूली चोरी का मामला पहुंचा 30 करोड़ तक। एक आईपीएस अफसर के जुर्म की हैरान करने वाली दास्तान सामने आई। दरअसल गुरुग्राम के जुर्म की इस कहानी में कई किरदार हैं, आईपीएस अधिकारी, दो डॉक्टर, एक गैंगस्टर और कर्मचारी। हालांकि शुरुआत में ये मामला मामूली चोरी का लग रहा था, लेकिन जैसे जैसे परतें खुली इसने सभी को चौंका दिया। शुरुआत में 50 लाख रुपए की चोरी का मामला लग रहा था। हालांकि पहली गिरफ्तारियों में ही एसटीएफ ने 3 करोड़ 90 लाख रुपए वसूले और जैसे जैसे जांच आगे बढ़ी बाद में डीसीपी का नाम भी सामने आया, जिसके बाद हरियाणा सरकार ने उसे निलंबित कर दिया और मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने भी साफ कर दिया कि मामले में किसी भी आरोपी को बख्शा नहीं जाएगा। जो भी कोई दोषी मिलेगा, किसी भी लेवल का अधिकारी हो, कोई बायोग्राफी हो, जहां भी हमें कोई प्रमाणित तस्वीर मिल जाएगी, किसी को छोड़ेंगे नहीं। उस डीसीपी की इन्वॉल्वमेंट उसमें निकली है और उसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन चल रही है। कुछ लोग उसमें पकड़े गए हैं, पैसा भी लगभग 6-7 करोड़ रुपए के आसपास रिकवर भी हुआ है और वो चोरी ऐसा बताई जा रही है कि 30 करोड़ और 50 करोड़ के बीच में एकदम पता नहीं है कि कितनी हुई होगी। वो तो जब रिकवरी होगी या जो इन्वेस्टिगेशन में विषय आएगा तभी पता लगेगा। तो चलिए आपको सिलसिलेवार तरीके से बताते हैं कि आखिर ये पूरा मामला क्या था। इस साल जुलाई में एक बिल्डर के कर्मचारी ने अपनी जान पहचान के डॉक्टर को कॉल किया। वो इस डॉक्टर की मदद चाहता था। कर्मचारी को काले धन के बारे में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को जानकारी देनी थी। इसका तरीका वो नहीं जानता था। काले धन की ये रकम बड़ी थी। ये जानकारी देकर वो पुरस्कार के तौर पर उस रकम में से 5% कमीशन चाहता था। 4 अगस्त को ये रकम चली गई। डेवलपर के 2 फ्लैटों से इसे ले जाया गया, लेकिन इसे लेकर गए लोग टैक्स इंस्पेक्टर नहीं थे। इसके बाद इस रहस्य की परतें खोलने की कवायद शुरू हुई। ये कहानी को एक दूसरे से बिल्कुल जुदा किरदारों की तरफ लेकर गई। इसमें 2 डॉक्टर थे, एक हरियाणा का डीसीपी और एक गैंगस्टर। ये सभी इस हैरान करने वाले खेल में शामिल थे। हर एक की गिरफ्तारी के साथ केस नई दिशा में जाता गया। पहले माना गया था कि ये 50 लाख रुपए की चोरी का मामला है, लेकिन इसमें अब तक करीब 6 करोड़ रुपए की रिकवरी हो चुकी है। एसटीएफ को करीब 24 करोड़ रुपए और सामने आने की उम्मीद है। इस मामले में अब तक 11 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। इनमें लंगरपुरिया गैंग के 6 सदस्य, एक दिल्ली पुलिस का असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर और 2 डॉक्टर शामिल हैं। एसटीएफ का मानना है कि मामले में और रिकवरी होने के आसार हैं। अब मामले को देख रहे गुरुग्राम क्राइम ब्रांच, खेड़की दौला और सुशांत लोक पुलिस स्टेशन के अधिकारी भी शक के दायरे में हैं। एसटीएफ के अधिकारी ने कहा कि इस मामले में शुरुआत छोटी सी टिप से हुई थी, लेकिन ये चोरी शहर के सबसे बड़े मामलों में से एक बन गई है। अब तक कैश में 6 करोड़ रुपए, सोना और US डॉलर बरामद हुए हैं। कहा जा रहा है कि प्रवर्तन निदेशालय और टैक्स डिपार्टमेंट भी इसमें जांच शुरू करेंगे। वो डेवलपर की आय के स्रोत का पता लगाएंगे और ये भी जानने की कोशिश की जाएगी कि आखिर इस चोरी में सही सही कितनी रकम शामिल थी। गुरुग्राम से हर खबर हरियाणा के लिए प्रवीण शर्मा की रिपोर्ट। और बढ़ते आगे, जहां यमुनानगर में खाद नहीं मिलने से नाराज किसानों ने जिला सचिवालय पहुंचकर प्रदर्शन किया है। किसान नेताओं का आरोप है कि पिछले कई दिनों से उन्हें खाद नहीं मिल रहा और जिसके चलते उनकी फसल बर्बाद होने लगी है, लेकिन फिर भी प्रशासन की ओर से सिर्फ आश्वासन ही मिलता है लेकिन खाद नहीं मिलता है। देखिए इस पर खास रिपोर्ट। यमुनानगर में डीएपी खाद नहीं मिलने से किसानों को पिछले कई दिनों से भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है।
जिसके चलते किसान अक्सर प्रदर्शन करते रहे हैं। इसी क्रम में किसानों ने विभिन्न किसान संगठनों के बैनर तले एक बार फिर प्रशासन के खिलाफ हल्ला बोला। भारी संख्या में किसानों ने जिला सचिवालय पर पहुंचकर प्रदर्शन किया। किसानों ने सचिवालय के अंदर दाखिल होने की कोशिश भी की, लेकिन पुलिस ने किसानों को सचिवालय के गेट पर ही रोक दिया, जिसके बाद गुस्साए किसानों ने सचिवालय के गेट पर ताला जड़ दिया। किसानों का कहना है कि जब तक प्रशासनिक अधिकारी उनके बात सुनने नहीं आते तब तक ताला जड़ा रहेगा। वहीं किसान नेताओं का आरोप है कि पिछले कई दिनों से उन्हें खाद नहीं मिल रही, जिसके चलते उनकी फसलें बर्बाद होने लगी है। बार बार आश्वासन मिलता है लेकिन खाद नहीं मिल रही। किसानों को यूरिया खाद की जरूरत है, बिजाई के समय डीएपी नहीं मिला और आज सिंचाई करके जब फसल पैदा करने का समय है तो आज यूरिया की बहुत कमी हमारे जिले में है। आज तक भी हमारे यमुनानगर जिले में जो रैक खाद का लगता है आज तक भी पूरा रैक नहीं लगा, जिस कारण किसानों को लंबी लंबी लाइने में खड़ा होना पड़ता है। सेंटर पर जरूरत होती है हजारों कट्टों की और मिलते हैं 100 या 200 कट्टे आते हैं, कई कई किलोमीटर की लाइने लगती है। जिस समस्या को लेकर कई बार ज्ञापन दिए डीसी साहब को, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। जब किसान संगठन सचिवालय के बाहर प्रदर्शन कर रहे थे, इसी बीच कृषि विभाग के डिप्टी डायरेक्टर डॉक्टर जेएस सैनी, उपायुक्त पार्थ गुप्ता समेत विभिन्न विभागों के अधिकारी किसानों से मिलने जिला सचिवालय के गेट पर पहुंचे। अधिकारियों ने किसानों को आश्वासन दिया कि रविवार तक खाद की स्थिति सामान्य हो जाएगी और सभी को जरूरत के मुताबिक खाद मिलेगी। किसानों को थोड़ी सी दिक्कत आ रही है, यूरिया के पीछे से शॉर्ट सप्लाई है, लेकिन 3 दिन में हमारे पास जिले में 58,000 बैग आ जाएंगे तो वो सभी में वितरित हो जाएंगे। किसानों की थोड़ी सी डिमांड ये है कि इफ्को और इफ्को को मिले, तो उसके लिए हमने आश्वासन दिया कि हम संडे तक एक इफ्को का रैक मंगा के किसानों में। सभी अधिकारी इसमें लगे हुए हैं, लेकिन खाद की पीछे से ही शॉर्ट सप्लाई है, तो फैक्ट्री में जाने का तो मतलब ही नहीं। हम रैक पॉइंट से लेके दुकान तक उसका पीछा करें, किसके किसान को जहाँ भी छापेमारी करता है कहीं मिलता है तो हम 24 घंटे की सेवा में। उधर किसान नेताओं ने चेतावनी देते हुए कहा कि अगर रविवार तक खाद नहीं मिली तो सोमवार से फिर धरना प्रदर्शन किया जाएगा। अब देखना ये होगा कि क्या प्रशासन किसानों को रविवार तक खाद मुहैया करा पाती है या नहीं, या फिर मजबूरन किसानों को फिर से धरना करना होगा। यमुनानगर से हर खबर हरियाणा के लिए सुरेंद्र मेहता की रिपोर्ट।